कैथल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। कैथल के प्रमुख व्यापारी बिट्टू छाबड़ा ने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देने की घोषणा की है। बिट्टू छाबड़ा ने कहा कि भाजपा की खट्टर सरकार से सभी वर्ग दुखी है। हम विरोधी रहे, हमने इनके खिलाफ चुनाव लड़े और एक चीज कहते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते। मेरे और इनके कभी मन भेद नहीं रहे, विचारधारा हमारी काफी कुछ मैच करती थी। और जैसा कि आप सभी साथी भलीभांति से परिचित हैं, हम हर एक चुनावी सभा में, चुनावी प्रोग्रामों में, राइस मिल एसोसिएशन के प्रोग्रामों में हम साथी मिलते रहे हैं। भाई साहब से भी मेरी बात होती रही है हमेशा, सदैव समय समय पर। और एक चीज मैं और इनकी कहना चाहूंगा कि मैं कोई स्पेशल ये नहीं कि कोई कांग्रेस करके किसी पार्टी, मैं स्पेशल भाई साहब की मित्रता करके, और मित्रता में क्योंकि ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए तो मैं नेचुरली उसके साथ जुड़ गया। और मैं अपनी मित्रता पूर्णतया पूरे तरीके से निभाऊंगा। और शहर में जैसा कि भाजपा की सरकार एक जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है, ये इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है। ये दिखाते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे, दिखाते तो है, पता नहीं कितना फायदा कर रहे हैं व्यापारियों का। असल में तो उन्होंने व्यापारियों की ताड़ेबंदी का काम किया। आज मंडी में जो आड़ती लोग जो इतना परेशान हो रहे हैं, किसान जितना परेशान हो रहे हैं, 3 दिन से कैथल में धान नहीं बिक रही, उसके लिए नारेबाजी हो रही है। तो मतलब कहना कुछ हो रहा है, दिखाना कुछ हो रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है ना, गंजे को भी कंघी बेच देंगे, वो काम एक सरकार भारतीय जनता पार्टी वाला का कार्य है। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा व्यापारियों पर की गई टिप्पणी पर एतराज जताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सभी व्यापारी एक दूसरे के पूरक है और उनको कैंसर बताना जायज नहीं है। माफ कीजिए, वो सब्जी मंडी का आड़ती हो, वो अनाज मंडी का आड़ती हो, वो मंडी में तोल करवाने वाला व्यक्ति हो, वो मंडी में मुनीम हो, या फिर वो लकड़ी का पेशा करने वाले हमारे साथी हो, हारे वाले, ये सब एक लिंक है चेन का। आदरणीय खट्टर साहब, ये बिचौलिए कैंसर नहीं है, ये बिचौलिए हमारे ट्रेड और बिजनेस का एक महत्वपूर्ण लिंक है। खट्टर साहब को सार्वजनिक तौर से अनाज मंडी के आड़तियों से, सब्जी मंडी के आड़तियों से, आरा एसोसिएशन के साथियों से, ट्रेड और बिजनेस के साथियों से पूरे हरियाणा में और देश में माफी मांगना चाहिए उन्हें कैंसर की संज्ञा देने के लिए। खट्टर साहब की जबान अक्सर फिसलती रहती है और इस बार जबान ऐसी फिसली कि उन्होंने हर वो आदमी जो व्यापारी और दुकानदार है उसको कैंसर की संज्ञा दे डाली। ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, खासतौर से जो उम्र में इतने उम्र दराज है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए अशोभनीय भी है और बहुत निंदनीय भी है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि आप हर दुकानदार, हर व्यापारी, हर ट्रेड में लगे हुए व्यक्ति, हर सब्जी मंडी की आड़ती, हर अनाज मंडी की आड़ती, हर लकड़ी मंडी के व्यापारी, हर परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति, आप उन सब बिचौलियों को अगर आप कैंसर मानते हैं तो माफ कीजिए खट्टर साहब, आपकी पार्टी और आपकी सोच के अंदर कहीं बड़ी भयंकर भूल और कमी है और आपको ये समझ नहीं है कि किस प्रकार से हमारा ट्रेड और बिजनेस एक दूसरे के साथ मिलकर फलता फूलता है। दूसरी तरफ ऑटो यूनियन द्वारा भी रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव की मौजूदगी में ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने यह घोषणा की। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष और उनके साथ जो इनके मेंबर हैं, लगभग 3100 मेंबर इनके हैं, जो ऑटो यूनियन के जरिए लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज उनके साथी, उनकी कार्यकारिणी जो जिला कार्यकारिणी है, हमारी कैथल की यूनियन के जो प्रधान है और उनके जो कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, वो सभी यहाँ पर आए हैं और रणदीप जी सुरजेवाला जी के समर्थन में इन्होंने आज वादा किया है और कुछ समस्याओं का भी जिक्र इन्होंने इस दौरान किया। मैं समझता हूँ कि जो चर्चा हमने इस दौरान की, उससे मालूम हुआ कि पिछले 5 वर्षों में कुछ परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा है। एडवोकेट दिनेश त्यागी ने भी रणदीप सुरजेवाला की सराहना की है।
दिनेश त्यागी ने कहा कि पिछले 5 साल में कैथल के विकास की जवाबदेही राव सुरेंद्र सिंह की बनती है, जिनको भाजपा सरकार ने विधायक की पावरे दे रखी थी। अब जो पिछले 5 साल गए उस दौरान मैं ये मानता हूँ कि ठीक है कि सुरजेवाला जी विधायक थे, लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी। इसको देखने का दूसरा दृष्टिकोण ये है कि पैसा देना है सरकार ने, हरियाणा सरकार ने देना है, कार्य कराने हैं हरियाणा सरकार ने कराने हैं। उस दौरान 5 साल के दौरान ये कहा गया कि एक आधिकारिक तौर पे बयान दिया गया था कि राव सुरेंद्र सिंह को कैथल के अंदर एमएलए की पावर्स दी गई थी। ये एक आधिकारिक सूचना थी कि उनको एमएलए की पावर दी गई थी। मैं ये पूछता हूं, हर आदमी जानता है कि यदि राव सुरेंद्र सिंह को हरियाणा सरकार ने एक एमएलए की पावर्स दी थी, एक साथ में समानांतर सरकार चलाई कैथल के अंदर बीजेपी ने, तो ये प्रश्न तो सरकार से पूछना चाहिए कि इन 5 सालों में विकास का कार्य कराना तो बहुत दूर की बात थी। सुरजेवाला जी ने जो अपने कांग्रेस के कार्यकाल में विकास कार्य कर दिए थे, उनको मेंटेन करना मुश्किल हो गया बीजेपी सरकार के लिए। बीजेपी सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल के दौरान एक भी उद्योग, कोई भी यहाँ पर रोजगार का साधन, किसी भी तरह का कोई आर्थिक विकास का साधन कुछ भी पैदा करने की कोशिश भी नहीं की।